देखिए पहली ही गेंद को उठा दिया है, गेंद जाएगी स्टेडियम से भी बाहर। ये कितना लंबा छक्का, इस मैच का सबसे बड़ा छक्का है। आदिल कासरो ने आते ही शुरुआत जो की छक्के से की, पहली गेंद ऑफ साइड के काफी बाहर मिली थी और पिच लाइन की गेंद 6 रन के लिए। बढ़िया स्ट्रोक आदिल कासरो का। तो अब आदिल कासरो रहेंगे स्ट्राइक पर। पहली मर्तबा इस मैच में अंपायर से गार्ड लिया, अब तैयार है खेलने के लिए। तैयार है अब स्ट्राइक लेने के लिए। अब दूसरा ओवर होगा। आदिल कासरो रहेंगे सामने। काफी सारे फैंस आज कह रहे थे पहली इनिंग्स में भी आदिल कासरो के बारे में। तो ये लीजिए व्यूअर्स, ये है अब आदिल कासरो आपके सामने। उम्मीद करते हैं एक बड़ी इनिंग से मैच जितवा के वापस जाए अपने टीम को। देखिए पहली गेंद को उठा दिया है, गेंद जाएगी स्टेडियम से भी बाहर। ये कितना लंबा छक्का, इस मैच का सबसे बड़ा छक्का है। आदिल कासरो ने आते ही शुरुआत जो की छक्के से की, पहली गेंद ऑफ साइड के काफी बाहर मिली थी और पिच लाइन की गेंद 6 रन के लिए। बढ़िया स्ट्रोक आदिल कासरो का, बड़ा स्ट्रोक। आज काफी दिनों बाद दर्शकों को हमारी YouTube चैनल और हमारे Facebook पेज दादा क्रिएशंस पर आदिल कासरो की इनिंग्स देखने को मिल रही है अपने व्यूअर्स को। पहली गेंद पे अपने जौहर दिखाए आदिल कासरो ने, 6 रन पहली गेंद पे। शमा क्रिकेट क्लब के लिए ऐसा साफ जाहिर। और देखिए आदिल कासरो का एक ही छक्का भी लगा, सीधे 150 से 200 हमारे व्यूअर्स हो गए। फिर से जबरदस्त कट शॉट, पॉइंट और कवर फील्डर देखते रह गए। गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। गजब का स्ट्रोक था, बिल्कुल भी अपने पैर तक नहीं हिला पाए दोनों फील्डर्स। तेजी के साथ गोली की रफ्तार से गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पे। 2 गेंदों में 10 रन बना चुके हैं आदिल कासरो। आ रहे रूफ टर्फ विकेट पे ये मैच खेला जा रहा है। रूफ चले आदिल के लिए, डिफेंस अंदाज में खेला, अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया इस गेंद को। ना करे दोनों बल्लेबाजों को, चाहे साइम मुस्तफा हो या आदिल कासरो, दोनों नहीं बख्शेंगे अगर आप रूम फराहम करोगे। देखिए फिर से अच्छी गेंद थी, डिफेंस अंदाज में खेला आदिल कासरो ने, काफी अच्छा। अब आए साकिब गेंदबाजी के लिए, आदिल और यूब मलिक करेंगे सामना। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन पोजीशन पे तैनात किया गया फील्डर्स को। इससे पहले जो ओवर डाला गया था उसमें इन्हें मिड ऑफ और मिड ऑन की सूरत में रखा गया था, लेकिन अब लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पोजीशन पे भेज दिया गया है। साकिब करेंगे अपने कोटे का पहला ओवर और इनिंग्स का 3रा ओवर। साकिब पहली गेंद लेके ऑफ साइड के बाहर कट किया, कवर फील्डर से मिस फील्ड हो गया है जनाब, और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक था आदिल अय्यूब मलिक का। मर्तबा ऑफ साइड के काफी बाहर थी, आदिल ने डिफेंस अंदाज में खेला, गेंद गई सीधे फील्डर के पास, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 30 रन आ चुके हैं। 3रे ओवर की पहली 2 गेंदें अभी डाली गई है। चले साकिब, आदिल अय्यूब मलिक के लिए बैट लाइन पे गेंद थी, गेंद को मोड़ दिया है की ओर। लॉन्ग ऑन पोजीशन पे जो फील्डर तैनात थे वो दौड़ के गए, गेंद को फील्ड किया, 2 रन बनाने का मौका था, 2 रन मुकम्मल किए। कीपर को विकेट्स के करीब खड़ा किया गया आदिल के लिए। ये देखिए खेलने का स्टाइल जो है आदिल अय्यूब मलिक का, लाजवाब है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी आदिल अय्यूब मलिक में, खेलने के अलावा भी इनका बिहेवियर सबसे बढ़िया है। बात करने का अलग ही अंदाज है, काफी बड़े प्लेयर है, नहीं लगता है जब इनके साथ बात करते हैं। और एक मरतबा अच्छी गेंद साकिब की, फिर से डिफेंस अंदाज में खेला, बैट लाइन पे फिर से गेंद थी। गुजारिश है वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। डिफेंस अंदाज में फिर से अच्छी गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक था। अगला ओवर डालेंगे अब जो स्पिनर आए थे पहली बॉलिंग चेंज के रूप में आए थे गेंदबाजी के लिए। सामने रहेंगे आदिल कासरो। साकिब चले
पहली गेंद लेके ऑफ साइड के काफ़ी बाहर, अपने आप से काफ़ी दूर शरीर से गेंद थी, वहीं जाके कट करना चाहते थे आदिल लेकिन चूक गए। और एक मरतबा ऑफ साइड के काफ़ी बाहर गेंद थी, पड़ने के बाद उछली थी गेंद, ग्लव से लगी थी आदिल कासरू के, गेंद थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई, विकेट कीपर खुद गए थे फील्डिंग करने के लिए, रन बनाने का कोई मौका नहीं। साकिब और एक मरतबा, ओ काफ़ी अच्छी गेंद, ऐसा लग रहा है कि एक मूवमेंट मिल रही है आप गेंदबाजों को, हमने देखा था इस गेंद में तो युग मलिक और साई मुस्तफ़ा आए थे, साई मुस्तफ़ा आउट हो चुके हैं और 44 हुआ स्कोर। मीर मोहसिन और एक मरतबा आदिल कासरू के लिए, आप स्टम्प के काफ़ी बाहर गेंद थी, कट करना चाहते थे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए गेंद को, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, रन बनाने का कोई असर नहीं। और एक मरतबा तैयार है आदिल और युग मलिक, सामना करेंगे मोहसिन का, काफी लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिल रही है पिछले तीन ओवर से। देखिए पैड लाइन पे गेंद, जोरदार अपील, अंपायर का इशारा आउट, थोड़े से नाराज लग रहे हैं जरूर आदिल और युग मलिक।